अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज नुजहत हसन ब्लॉग में आज फिर से आप लोग के साथ मैं सहरी शेयर कर रही हूँ और सहरी टू इफ्तार पूरी रूटीन शेयर करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं इफ्तारी बना रही थी और सहरी बना रही थी, और आजकल तो बस सहरी और इफ्तारी दिमाग पर चढ़ा हुआ है, तो सहरी बना रही थी। मैं रात भर सोती नहीं हूँ, तो सोई भी रही हूँ, इतनी नींद आ रही हाँ है। मुझे हैंडसम आ रहा है, हैंडसम देखा जरा। क्यों वहाँ इधर चाय निकाली भी नहीं मैंने, यहाँ का सेवर भी नहीं जलाया सन्ने, यहाँ का खाओ हाल देखो ना अभी अपनी जगह। यहाँ पे सब सहरी कर रहे थे और मैं तो बिल्कुल एंड में आई थी, मगर अनेजा को बिल्कुल भी नहीं खाना था और रोज़ा भी रखना था, क्योंकि फ्राइडे का रोज़ा कह रही थी मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और मेरा भी ये था कि चलो बच्चे रखें, जुमे का दिन है, और अनेजा को मैं बिल्कुल भी नहीं रोज़ा रखवा रही। उसने बीच बीच में रखे हैं आधे छोड़े हैं, क्योंकि अनेजा की तबीयत जो है ना, उसको बिल्कुल चक्कर आने लगते हैं, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो खैर उस पर भी फ़र्ज़ भी नहीं है, और मैं दोस्ती नहीं करती दोनों बच्चों पर, माशाल्लाह से खुद ही रखते हैं। तो यहाँ पर सहरी के बाद फिर हम लोग सो गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो अब टाइम हो गया है सुबह का, और सुबह जो है मतलब जल्दी हम उठ गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे, उस थोड़ी देर सोकर उसके बाद फिर उठ के स्कूल चले गए, क्योंकि बच्चों का बहुत टफ जा रहा है और ये जुम्मे का दिन शुरू हो गया था, तो जल्दी उठ के फिर ये कपड़े वगैरह भी अभी सिल कर आए हमारे, तो मैं चेक कर रही थी कैसे हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये मैंने अपना ड्रेस बनवाया था, डिज़ाइन दोनों का सेम था, हमारा कॉलर बनवाया था और मैंने डोरी पाइपिंग लगाई थी, उनेजा का गोल दामन बनवाया था, और बहुत प्यारे लग रहे थे कपड़े। और दूसरी बात ये कि मेरे पैर में मसला हो गया था कि पता नहीं मुड़ गया था या पता नहीं, मुझे अभी उस तक ये याद नहीं आ रहा कि मेरे पैर में कुछ हुआ है, मगर मुझे इतना दर्द है कि मैं नमाज़ भी बैठ के पढ़ रही हूँ, जिसकी वजह से मैं 8वां जो रोज़ा था मैंने उसकी कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं की, मतलब कुछ भी बिल्कुल दिल नहीं था। मेरी तकलीफ़ देखती या सहरी इफ्तारी की रिकॉर्डिंग करती तो मैंने कुछ भी नहीं करा। और उन्होंने कहा था कि ये सैटरडे को खुलेगी, बट मैंने ये फ्राइडे वाले दिन ही खोल ली थी पट्टी, क्योंकि मुझे एक तो बहुत इरीटेशन हो रही थी इससे, दूसरा ये कि मुझे नहाना था, नमाज़ पढ़नी थी, जुम्मे का दिन तो नहाना सुन्नत है, तो मैंने नहाना था, तो इस वजह से मैंने पट्टी वगैरह काट दी थी। अब दोबारा जाऊँगी, देखो मेरा अभी भी दर्द नहीं ख़त्म हो रहा। और यहाँ पर उनेजा अनाबिया आ गई थी झाड़ू लेकर, क्योंकि मासी साहिबा जो आई नहीं, उन्होंने जुम्मे के दिन छुट्टी कर ली है। जुम्मे के दिन तो मेरे लिए ऐसा होता है कि मतलब ईद का समा के मतलब सब बच्चे नहा रहे हैं और ये नहा रहे हैं और नमाज़ की तैयारी हो रही है, अजहान जा रहा है नमाज़ पढ़ने, तो यहाँ पर अनाबिया मस्ती कर रही थी और जो है ना बड़े मज़े मज़े से झाड़ू लगा रही थी, और कह वो वहाँ से हटा रही थी और दोबारा दोबारा से उड़ के वो रैपर जा रहा था, तो कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अनाबिया और तैयार, उसको नहलाया, पहले मालिश करी, फिर उसको नहलाया, फिर उसकी मैंने इस तरह से प्यारी प्यारी सी वीडियो बनाई, क्लिप्स ली, पिक्चर बनाई, और फिर उनेजा को अनाबिया को तैयार करके फिर मैं खुद मैंने अपनी पिक्चर्स। तो फिर उसके बाद मैं इफ्तारी में जाके लग गई थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर चाट बना के रखी मैंने जल्दी से, केला, खरबूजा, आज सेब भी डाला, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था सेब खाने का, तो मगर सब निकाल देते हैं, अजहान भी निकाल देता है, अब्बू भी निकाल देते हैं, क्योंकि अब्बू से चबाया नहीं जाता, अजहान को अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी मैंने कहा भाई आप लोग हटा के ले लेना, मेरा दिल चाह रहा है, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है चाट के अंदर। तो मेरा दिल तो ना अमरूद डालने का भी दिल चाह रहा था, पता नहीं क्यों, वैसे तो हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, मगर हस्बैंड कह रहे हैं कि ना सेब मैं बर्दाश्त कर लूँगा, अमरूद नहीं करूँगा, तो मैंने चलें ठीक है कुछ तो खा लेंगे, सेब तो एडजस्ट कर रहे ना। केले अभी आएंगे तो फिर केले डालेंगे, सही। तो आज मैं बना रही हूँ क्रंची चिकन ब्रेड रोल, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ये मैं आज दिन में बहुत बनाती हूँ, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और वेजिटेबल्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मैं चेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने चिकन बॉयल की थी, उसमें चिली सॉस, सोया सॉस और काली मिर्चें, नमक और क्या कहते हैं पानी में बॉयल करके इसको निकाल ली थी, उसके बाद उसको शटर कर ली थी, उसके अंदर उसी में पानी में गोभी को भी बॉयल करके निकाल ली थी, और हरी प्याज ऐसी कच्ची रखी थी, और इन सबको मिलाकर इसमें दोबारा से नमक, काली मिर्च डालकर, चिली सॉस, सोया सॉस डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और फिर मैंने उसको ब्रेड जो है ना ब्रेड को अच्छी तरह से बेलन की मदद से बेल कर, और फिर उसको मैंने इस तरह से रोल बना लिए थे, और कुछ भी नहीं लगाया, और सिंपल से इस तरह से तैयार हैं, इतने मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट रेसिपी है। तो मैं वैसे भी सिंपल और क्विक रेसिपी बताती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करा करें।
तो वॉन्टन की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वो भी मेरी बहुत इजी रेसिपी थी और मैं खुद से ही अपना मतलब स्पाइसी वगैरह कम रखती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते। आप लोगों को अगर स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप हरी मिर्ची वगैरह भी काट के खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिसको जो टेस्ट पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता तो हम लोग लाइट रखते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं ब्रेड क्रम की पहले अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम लगा के सारे रोल अपने रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। और ऑयल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम नहीं, मेरा बहुत तेज़ हो गया था गर्म, क्योंकि मैं कुछ पकौड़े तलने के बाद मैं छोड़ के चली गई थी, करने लग गई थी ब्रेड रोल जो है तैयार करना। तो मैं जब ये रोल तैयार कर रही थी तो मैंने चेक नहीं किया कि चूल्हा मेरा जो है ना फ्लेम ऑन रह गया। तो आप लोग नॉर्मल, बहुत ठंडा भी रखना है, बहुत गर्म भी नहीं रखना है। अगर बहुत ठंडा रखेंगे तो तेल बहुत चूस लेगा, जब्स कर लेगा अपने अंदर ब्रेड। थोड़ा सा हाई फ्लेम ही रखेंगे तो आप होगा जल्दी जल्दी से, बस हम लोग को गोल्डन ब्राउन करना है और फटाफट फ्राई करके उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे ब्रेड रोल तैयार हैं, इतने मज़े के बने थे कि बच्चे बस, बच्चों का तो हाथ ही नहीं रुक रहा था और खाने के लिए मतलब रेडी बस बैठे थे कि मम्मा जल्दी से दस्तखान लगाएं और हम लोग खाएं। तो यहाँ पर चाय भी मैंने रख दी थी और साथ साथ अमनीजा ने कहा कि मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज ज़रूर खानी है, क्योंकि वो जो मैं भी न्यू चीज़ें जो मैं बनाती हूँ यकीन करें मैं स्पेशली अमनीजा के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो ना फ्रूट चाट खाती है, ना वो शरबत पीती है, ना वो कोई छोले दही बड़े कुछ भी नहीं खाती जो मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ या फ्रेंच फ्राइज, बस वो खाती है। तो फिर तो बेचारी का हक बनता है ना कि उसके लिए कोई स्पेशल सी चीज़ बने। तो खैर मैंने, और बेटियां तो वैसे बेटे बेटी मैं करती नहीं हूँ, मगर बेटियों से तो वैसे भी दिल से एक मोहब्बत होती है ना। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच फ्राइज फ्राई करूँगी, उसके बाद फ्राई करने के बाद मैं आज बना रही हूँ अपना बहुत ही फेवरेट पालक के पत्तों के पकोड़े, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं 3-4 तलूँगी, अब्बू में खाएंगे, अगर अजान को पसंद आया तो वो ले लेंगे। जो चीज़ें ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, ठीक है ना। और अंडे के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, मैंने बनाए थे कल 8वें रोज़े को, बट आप लोग को इसलिए शेयर नहीं कर सकी कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो ये मेरा दस्तरखान लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेड रोल मेरे वहीं रखे थे, मैं बुलाती हूँ। चिकन स्टिक हसन लेकर आए थे और हसन इस तारीख से 3 मिनट पहले आए थे, तो उसी ड्रेस में बैठे। तो यहाँ पर तैयार है चाट की शक्ल, मतलब जो फ्रूट का जो कलर है ना बिल्कुल बरकरार है, मतलब बहुत से लोगों की फ्रूट चाट काटने के बाद ना जब इफ्तार के टाइम पे जब हम रखते हैं तो बिल्कुल काली हो जाती है, मैंने तो बहुत से लोगों को अपने सामने देखा है, बट मेरे फ्रूट का कलर अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जूसी जूसी सा, इतना मज़े का ऐसी चाट बनती है। तो आपके घर में कैसी बनती है? और बहुत से लोग अमरूद भी डालते हैं, मगर हमारे अमरूद नहीं खाते, इसके बीन जाते हैं ना तो बहुत इरीटेट करते हैं। तो ये हमारी चाट, सबकी इफ्तारी हो गई, मैं अब चाट खाऊंगी। और लो ड्रामेबाज, बहुत बड़ा ड्रामेबाज ही। वाओ जबरदस्त बिरयानी और पिज्जा, और ये क्या है अन्य, क्या ये? वाओ चलो। तो ये थी लेट नाइट क्रेविंग, ये सबको भूख लगने लगी थी, तो हसन ने भी ऑर्डर कर दिया था और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, नॉर्दर्न करके कुछ नाम था, मैं नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूँगी, बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा था। और इसकी चीज़ भी बताऊँगी कि इसके प्राइस कितने कम थे।